मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगातार बढ़त मिल रही है। उसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तपोभूमि पर भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार और कई कार्यकर्ताओं ने सभी कार्यकर्ताओं को एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई है और भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए हैं, साथ ही खुशी भी जाहिर की गई है। नेताओं ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनता के हितैषी की काम करने वाली पार्टी है और कांग्रेस ने शिवराज सरकार की जनता हितैषी सभी योजनाएं बंद कर दी थी, जिसको लेकर जनता ने आज कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया है। क्या कहा भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने, आइए सुनते हैं उनकी ही जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ दीपक खतादिया और आप देख रहे हैं वाइस एमपी। जी हाँ, उपचुनाव के 28 विधानसभा चुनाव के परिणाम आना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं, जिला अध्यक्ष भी, उनसे बात करेंगे। इन रुझानों को लेकर क्या कहना है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सर पर ताज बनने वाला, क्या कहना? आइए, कहीं ना कहीं रुझानों के परिणाम आना शुरू हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी आगे चलती, क्या कहना? देखिए, निश्चित रूप से ये पूरी मध्य प्रदेश की जनता भी जानती थी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कांग्रेस भी इस बात को जानती थी कि पिछली बार जो उनका आना हुआ, झूठ के आधार पर आना हुआ, 15 महीने जो उनने किया उसमें जनता पूरी तरह ठगाई महसूस कर रही थी। तो जो जनता ठगाई हुई थी, उस जनता ने कांग्रेस को जवाब दिया है और ये सब परिणाम पहले से ही निश्चित थे। और आप यूँ मान लीजिए, जनता भी जानती थी, भारतीय जनता पार्टी भी जानती थी और कांग्रेस भी जानती थी कि उपचुनावों के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे। किस तरह से देखा गया उपचुनाव के अंदर कांग्रेस का आरोप लगा रहा है कि जो पिछली बार सरकार कमाना सरकार आई थी वो वोटों पर आई थी और जनता पार्टी नोटों के बल पर आई है, लगातार उपचुनाव में इस बात को कमलनाथ जी ने जोर शोर उठाया था। जो सरकार काम करना नहीं जानती, अवसर दिया जनता ने, उनने काम नहीं किया। जो सरकार कमलनाथ की सरकार, जिसे दिग्विजय सिंह जी पीछे से चला रहे थे, लगातार एक के बाद एक जो जनता के लिए और मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो योजनाएं शिवराज सिंह जी ने बनाई थी, उन योजनाओं को एक के बाद एक बंद करना, और एक ही उद्योग चल रहा था, ट्रांसफर उद्योग, जो हम सभी लोगों से अछूता नहीं है, सिर्फ चल रहा था तो कहीं इनके रेत का कारोबार चल रहा था, कहीं न कहीं चल रहा था तो हर चीज की आड़ में पैसे का झाड़ कट रहा था, ये हम सभी लोग जानते हैं। इसलिए कांग्रेस इस बात की ये बात नहीं करे तो ही ज्यादा अच्छा है, और इस प्रकार की बात कर कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को शर्म आना चाहिए कि एक प्रकार एक तरफ शिवराज सिंह जी है जिनके आने से बीमा कंपनियां बीमा देना चालू कर देती है, अलग अलग प्रकार की योजनाएं जो समाज के लिए और जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उनका लाभ नीचे तक पहुंचना चालू हो जाता है। जो खुद बिकाऊ है और बिकते आए हैं और खरीदते आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार पर, जो सुशासन के लिए जानी जाती है, उस पर आरोप लगाते हैं तो हंसी आती है, हमें भी, समाज को भी, जनता को भी और सुनने वालों को भी। हमारे साथ में और भी भारतीय जनता पार्टी नेता, उनसे बात करेंगे। बताएं, अभी जो देखा गया कि कार्यकर्ताओं में हंसके ले रहे, फटाके फोड़ जा रहे, मिठाइयां खिला रहे, उसको लेकर कहना है? ये कांग्रेस के और कमलनाथ के अहम और अहंकार की हार हैं, और शिवराज जी के सुशासन, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त जी शर्मा के कुशल नेतृत्व की जीत है। इस जीत की पूरे प्रदेश की समस्त जनता को हम बहुत बहुत हार्दिक बधाई और अभिनंदन करते हैं। उन 28 विधानसभा के समस्त मतदाताओं का आभार जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का खुले मंच से स्वागत किया। फिर भाजपा फिर शिवराज। हमारे साथ में और भी नेता है, क्या कहना है, किस तरह से जीत का जश्न मनाने का बता? कार्यकर्ताओं में बहुत हर्ष और उल्लास का माहौल आज है, और जिस प्रकार की मध्य प्रदेश की जनता ने 15 साल और 15 महीने की सरकारों के बीच में जो आकलन करके, और इस कमलनाथ की सरकार ने, चाहे वो युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, सबके साथ धोखेबाजी करके जो सरकार बनाई थी, वो सरकार अपने धरातल अपने गर्त में चली गई, और जो वादे वो कर करके आए थे वो वादे निभा नहीं पाए, और उन नेताओं को जो इन वादों पर जीत करके आए थे, वो जब वादे पूरे नहीं कर पा रहे थे, जनता के पास जाते थे, वादे पूरे नहीं हो पाते थे, तो इसलिए उनका मत परिवर्तन हुआ, उनका मन परिवर्तन हुआ, और उनने भाजपा के साथ, शिवराज जी के साथ जाना पसंद किया, और शिवराज जी के साथ जाने के साथ 15 महीने के कुशासन के आधार पर मध्य प्रदेश की जनता ने ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी को पुनः दिया है। शिवराज जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर पुनः विश्वास किया है, भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास किया है, कहीं ना कहीं जनता का पूरा सहयोग शिवराज जी ने कहा था, देखा गया है कि कहीं ना कहीं हस्तक्षेप, क्या कहना है?
हमारा हर कार्यकर्ता जमीन से जुड़कर काम करता है, इसीलिए हम हर परिस्थिति में काम करने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। आज हमारे कार्यकर्ता के संघर्ष की, हमारे कुशल नेतृत्व की जीत हुई है और हम सब बहुत प्रसन्न हैं और हर्षोल्लास से इसको, जीत को मना रहे हैं। लेकिन हमारे मन में जवाबदारी भी है कि जनता ने जो हमें नेतृत्व करने के लिए दिया है उसको हम अच्छे से निभाएं। इसी आशा के साथ जय श्री राम। ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जिंदा कहना था कि जनता ने पूरा विश्वास माननीय शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया है और अभी लगातार जो परिणाम आ रहे हैं करीब करीब बीजेपी जीत की करीब है और लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं में हर्ष के है, वह एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दे रहे हैं। वाइस एमपी के लिए दीपक तबे की रिपोर्ट। नीमच से दीपक खतावे की रिपोर्ट।